हाँ जी रेडी। चुप कर रहा है, दूर हो करना था देखो तो। अभी भी रेडी नहीं है, बुरे हाल है गाइस, बुरे हाल है। और फिर मेरे को बोलते मैं लेट करता हूँ, आधा घंटा हो गया मेरे को पैकेट पकड़े हुए, गाड़ी मैंने साफ भी कर फिर ली। अपने तो होते फिर रेड़े देने आहा मक अपने तो ना आहा रेड़े देने तो कपड़ा आहा कभी छुआ थोड़ा। अच्छा, ऐसे करते। हाँ जी इसी तो पहले 3 साल देखो ना जी हो यूं ये देखो, मम्मी मेरे मेकअप काम जैसी करे थे मेकअप आर्टिस्ट मम्मी। इंदा कब छुआ पिसका इन तो बाबा। ला 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 दुपट्टा दो तो अपना। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है अष्टमी, अष्टमी है आज और हम लोग मंदिर जा रहे हैं। आज संडे भी है तो फिर हम जा रहे हैं चिंडी माता मंदिर। और फिलहाल तो मैं और मेरे पति देव है, अभी हम थोड़ा जल्दी निकल गए, इन्होंने शॉप खोलनी थी। और मम्मी और पापा जी अभी आ रहे हैं क्योंकि वो थोड़ा सा काम में बिजी थे तो वो थोड़ा सा लेट आएंगे, मतलब 10-15 मिनट पीछे आएंगे हमारे से। तब तक हम शॉप में उनका वेट करेंगे और फिर जाएंगे वहां से मंदिर। और अब ठंड हो चुकी है इसलिए हमने अपनी कोटीज निकाल ली है, कुछ दिनों में गर्म कपड़े भी निकालने पड़ेंगे। ओ गाइस, आजकल मेटलिंग हुई हुई रोड में, बढ़िया मजा आ रहा है। मेरे हस्बैंड को गाड़ी चला के है, खुश हो? तो हम पहुंच चुके हैं दुकान, तो अभी हम थोड़ी देर दुकान रुकेंगे, फिर जब तक पापा मम्मी आएंगे फिर हम जाएंगे मंदिर, चिंडी माता मंदिर। तो थोड़ी देर के लिए पापा इधर बैठेंगे, फिर हम मंदिर से वापस आएंगे, फिर आगे का हम बाद में बताएंगे। व्लॉग पूरा देखें लास्ट तक, आगे और भी एक्साइटेड चीजें होंगी। आपको हम मंदिर के दर्शन भी करवाएंगे कि मंदिर में कितनी भीड़ है आज नवरात्रों में, मंदिर के दर्शन, मंदिर के दर्शन और कितनी भीड़ है, कितने लोग आए हैं, कैसा सजा है मंदिर, आपको दिखाएंगे जरूर। आप घर से ही आप दर्शन कर सकते हैं चिन्नी माता के, तो आपको मंदिर आने की जरूरत नहीं। मुझे थोड़ा लेट हो रहा था और ये निकलने वाले थे तो मैं जल्दी जल्दी भाग के आई हूँ, इसलिए मैं नेल पेंट यहीं पे लगाऊंगी जब तक मम्मी वगैरह आएंगे। तब तक हम नेल पेंट लगाएंगे, पहले पैरों में लगा लेते जो सूख जाए। कलर मस्त देखो, ले लो कमाई बात में। तो मम्मी पापा जी आ गए, पापा जी थोड़ी देर शॉप में बैठे और हम लोग निकल गए मंदिर के लिए। और हमने ली है इसमें सुहागी, नारियल और चुनरी। चलो जी निकलते हैं अब। तेरा मुन्ना बाहे को तो कुत्ते भी चले दे ना सके जरूर। पहुंच गए हम और बहुत रश लग रहा है इसलिए गाड़ी यहाँ पे जैसे लगा रहे हैं।
फोटो शूट चल रहा है अब। तो हम आ चुके हैं दर्शन करके चिन्नी माता के दर्शन। ये है चिन्नी माता का भव्य मंदिर, बहुत ही सुंदर शानदार, बहुत ही अच्छी कलाकृतियाँ की गई है इसमें। ये हमारी ब्लॉगर ने यहाँ जो कि ये देख रही है कि मंदिर कितना अच्छा है, हमारे घर पे भी ऐसे ही होना चाहिए, जो ऐसे देख रही है। यहाँ मम्मी कुछ फोटोग्राफी करते हुए अपने आईफोन 20 से। दोस्तों मंदिर में बहुत रश था इसलिए कुछ जुबान खुल नहीं रही थी अंदर, और अंदर तो वैसे भी फिर जल्दी जल्दी करना पड़ रहा था सब कुछ, तो बस माता के दर्शन हुए, अब चलते हैं घर को। ये ऐसी ब्लॉगर है जो लोगों के सामने जिसकी जुबान नहीं खुलती है, तो क्या हो गया, सबका अपना अपना होता है। अच्छा हाँ। बोलो जय माता दी। जय माता दी। और हम जा रहे हैं अभी रेस्ट हाउस इस तरफ। हाँ इस तरफ ऐसे ही थोड़ी देर घूमने फिर। मैं ना इधर चिन्नी माता मंदिर आई हूँ काफी बार, लेकिन मैं रेस्ट हाउस नहीं आई हूँ, इसलिए मैं आज रेस्ट हाउस घूमने आई हूँ यहाँ पे। किसके लिए ये रेस्ट हाउस है? सबके लिए, सबके लिए। यात्रीगण आते हैं आपके करसो घूमने, आपकी शिकारी माता। तो घूमने तो बहुत लोग आते हैं, तो क्या सबके लिए? वैसे में आप यहाँ रुक सकते हैं। रुक सकते हैं। मेरे गाइड, मेरे पर्सनल गाइड मुझे रेस्ट हाउस घुमाने लाए हैं। ये किलोमीटर है धर्मशाला इतना मनाली इतना। ये रेस्ट हाउस सबके लिए है, मतलब जो घूमने वगैरह आते हैं जैसे शिकारी देवी या कमरूनाग या कहीं, तो रहने के लिए ये थोड़ा नज़दीक में यही है। वैसे तो यहाँ से भी काफ़ी टाइम लगता है शिकारी देवी कमरूनाग वगैरह के लिए, बट फिर भी रहने के लिए ये रेस्ट हाउस किसी के लिए भी। आफ्टर सो मच फोटोशूट और वीडियो और हम सब के फोटोशूट ख़त्म होते हुए अब हम निकलते हैं गाड़ी की ओर। यहाँ पे कुछ सॉन्ग्स की शूटिंग भी होती रहती है, पता नहीं किसी की हुई है, कौन सा गाना होगा वो मुझे नहीं पता। जल्दी निकालो जल्दी। नहीं नहीं यार गर्मी लगी तो गर्मी बड़ी भारी है। तो देखो रुके हैं हम लोग, सोचो किस लिए टी
क्रीम लगाने के लिए। विचित्र प्राणी फॉर्म लाए थे मेरे तो इसी के साथ आज का बहुत ही प्यारा दिन स्पेंड करने के बाद हम जा रहे हैं अब घर को, और आप लोगों को मेरी वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट करके ही जाना है। बाय बाय।